वेलकम बैक टू मी टू शॉप ऑली, कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास है विप्रो का 6 वॉट का एलईडी टेबल लैंप। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इस लैंप की अनबॉक्सिंग, करेंगे इसका डिटेल में रिव्यू, देखेंगे इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, इसमें लाइट आपको कैसी मिलती है, सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से टेस्ट करेंगे। सो वीडियो को आप एंड तक देख लो। अगर आपको लगे कि ये प्रोडक्ट आपके काम का है तो इसका बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो काम की लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे टेबल लैंप का बॉक्स, कुछ इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में ये हमें डिलीवर किया जाता है। बॉक्स के लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके फीचर्स दिए हुए हैं कि यहाँ पे आपको सॉफ्ट ग्लेयर फ्री लाइट मिलने वाली है, एडजस्टेबल डिजाइन मिलने वाला है, ईजी टच कंट्रोल यहाँ पे आपको मिलने वाला है, और जो यहाँ पे लाइट की जो आपको कंट्रोल रहेगा यहाँ पे आपको 3 डिमिंग लेवल्स मिलते हैं। और भाई अगर हम यहाँ के बॉक्स के राइट में देखें तो यहाँ पे आप इसका MRP देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने 1500 का MRP दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको ये अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके अभी इसका करंट जो है बेस्ट प्राइस जाके देख सकते हो। तो चलिए अब जल्दी से इसके बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं और सारी चीज़ों को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर से हमें यहाँ पे 3 चीज़ें मिली हैं। एक में हमें यहाँ पे मिला हुआ है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसके अंदर हमें एक अडाप्टर है, और हाँ ये अडाप्टर है जिसको यूज़ करके आपको इस लैम्प को पावर सप्लाई देनी है। और फाइनली हमें यहाँ पे मिलता है हमारा टेबल लैम्प, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। और अंदर आपको यहाँ पे एक और प्लास्टिक का रैप कवर मिलता है इसमें, तो यहाँ पे आपको इसको भी बाहर निकाल लेना है। तो ये रहा हमारा टेबल लैम्प। अब सबसे पहले इसकी हम फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है इस टेबल लैम्प को लेकर वो सिंपली वाव है। अब जब भी किसी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को हाथ में लेते हो ना तो प्रोडक्ट अपने आप बताता है कि वो कितना ज़्यादा प्रीमियम है। इसका ये बेस हुआ, ये भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। आपका इसका ये वाला सेक्शन है, इसकी जो भी क्वालिटी है ना, ये इसमें थोड़ा सा रबड़ कोटेड है, इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट इसका ये वाला सेक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, मतलब अगर आप इसको ऐसे ऐसे जैसे मर्जी आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसको घुमाना भी चाहो तो आप इसको बहुत आराम से घुमा सकते हो, मतलब ये एडजस्टेबल है पूरी तरफ से। वही अगर मैं आपको इसका बेस भी दिखाऊं ना तो यहाँ पे आपको इसके रबर्स वाले सेक्शन दिए हुए हैं ताकि अगर आप इसको यहाँ पे रखे हुए हो तो ये अपनी जगह से हिले ना, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको हम पावर सप्लाई दे देते हैं। पावर सप्लाई देने के लिए हमें एक पावर अडाप्टर जो दिया हुआ था वो मैंने आपको दिखाया, उसको आपको सिंपली इस बैक वाले सेक्शन में जो है वो इंसर्ट कर देना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एक पावर बटन दिया हुआ है, आपको क्या करना है सिंपली इस पावर बटन को एक बार प्रेस करना है। और यहां पे हमारी जो लाइट है वो आप देख सकते हो वो जल चुकी है। वापस से हम इस पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो आप इसका कलर चेंज हुआ है आप देख सकते हो, और वापस से एक बार आप इसको प्रेस करोगे तो यहां पे जैसा कलर है वो येलो कलर हो चुका है। तो यहां पे आपको 3 कलर्स ऑप्शन मिलता है, मतलब जो आपको कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। और वही अगर आपको अपनी लाइट को डिम करना है या फिर ब्राइट ज्यादा करना है तो उसका भी आपको ऑप्शन मिलता है, और वो जो ऑप्शन है वो यहां पर आपको पावर बटन पे ही मिल जाता है। आपको इसको टच करके होल्ड करना है, जैसे टच करके आप होल्ड करोगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो लाइट है वो डिम होती चली जा रही है। और अगर आपको वापस से ब्राइटनेस को बढ़ाना है तो वापस से आपको इसको टच को होल्ड करके रखना है, मतलब जितना जितना ब्राइटनेस आपको चाहिए उतने तक आप उसको होल्ड करके रखो, फिर छोड़ दो और वो अपना जो ब्राइटनेस है फिर वहीं तक एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपने स्टूडियो की जो लाइट है वो पूरी तरह से ऑफ कर दी है ताकि आपको समझ में आ सके कि इस लाइट की एक्चुअल पावर कितनी है। तो अब वापस से एक बार मैं आपको इसका जो लाइट है वो आपको डिम और ब्राइट करके दिखाता हूं और कलर चेंज करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम कलर चेंज करके देखते हैं, एक बार आपको टच करना है इसका जो लाइट है आप देख सकते हो चेंज हो गया। वापस से टच करोगे तो यहां पे देख सकते हो लाइट चेंज हो चुका है, और इसका जैसे मैंने आपको बताया ये एडजस्टेबल है तो आप उसको अपने हिसाब से यहां पे एडजस्ट भी कर सकते हो। अब यहां पे हमें इसको डिम करना है, तो डिम करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया पावर बटन को आपको प्रेस करके होल्ड करना है, और यहां पे आप देख सकते हो हमारी जो लाइट है वो पूरी तरह से डिम हो चुकी है। और वापस से हमें इसकी ब्राइटनेस अगर बढ़ाना है तो पावर बटन को हमें होल्ड करके रखना है, और हमारी जो लाइट है वो यहाँ पे ब्राइट हो चुकी है। सो वीडियो को हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो लाइट मिल रही है वो मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। सो फाइनली अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में इस प्रोडक्ट को लेके। तो आपने खुद देखा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लाइट्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, डिम कर सकते हो, ब्राइट कर सकते हो। इनफैक्ट जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, एंड ब्रांड विप्रो का है तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो मेरे तरफ से बिल्कुल
थम्स अप है, बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट है। बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इसको अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।